वेलकम टू इंजन ड्राइव। जैसा आप देख रहे हैं, फोर्ड ने लॉन्च कर दी है नई एस्पायर को, जो 2018 के नाम से आप कह सकते हैं या फेसलिफ्टेड कह सकते हैं। तो एक्सटीरियर में जो है फोर्ड ने काफ़ी चेंजेस करे हैं। स्पेशल इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है वो उसका पैटर्न अलग हो गया है, अब हेक्सागन पैटर्न की तरह से आ रही है अब, जो कि इसे काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, क्योंकि जो इसकी हल्की सी क्रोम फिनिश भी दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ में हेडलैम्प में भी स्मोक ट्रीटमेंट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे जो फोगलैम्प पैनल है वो जो फोर्ड की फ्री स्टाइल है उसी की तरह ही नज़र आ रही है। तो जो इसका पूरा ओवरऑल फ्रंट है, जो उसको पैनल की तरीके से काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है। और इसमें व्हील भी जो है वो बड़े कर दिए गए हैं, 15 इंच के अब आ रहे हैं। रियर की बात करें तो रियर में भी इसका जो रियर बम्पर है वो भी चेंज कर दिया गया है, वो भी काफ़ी स्पोर्टी हो गया पहले से, और काफ़ी एजी लग रहा है, जो पहले से काफ़ी बेटर इसकी पीछे के अपीयरेंस को बढ़ा रहा है। और नीचे एक और अच्छा फैक्टर दिया गया है, एक कट सा दिया गया है जो बम्पर में, वो भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और इसमें की जो टेल लैंप है वो उसका भी इलस्ट्रेशन अलग हो गया है, जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम अब फील दे रहा है रियर से, जो कि पहले वाले में नहीं था। जो ये अच्छी बात है रियर में कि फोर्ड ने इसको अपग्रेड करा है, सुना है फीडबैक लोगों के लिए। और ये था एक्सटीरियर में, और कुछ खासा चेंज नहीं किया गया फोर्ड ने, बस यही था एक्सटीरियर में। अब देखते हैं इंटीरियर का, इंटीरियर में क्या फोर्ड ने चेंज किया। तो इंटीरियर की बात करें तो वैसे तो सब ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको, जैसा दिख रहा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया वो इसकी डिस्प्ले का करा है। जो इसमें डिस्प्ले आई है वो इको स्पोर्ट से सीधा ली गई है, जो 6.5 इंच की डिस्प्ले है इसमें। और बाकी ओवरऑल नीचे डैशबोर्ड में 2 USB स्लॉट एक्स्ट्रा आए हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसके। वैसी नॉब्स हैं सारे और वैसी सब चीज़ें हैं, और कप होल्डर वगैरह भी वैसी दी गए हैं, जो काफ़ी पहले से ही बेहतरीन थी इस जगह के मामले में, अब और भी बेहतर हो गई है। अगर मैं इसमें बात करूँ कि डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड की भी क्वालिटी वैसी ही है, लेकिन हाँ कलर स्कीम अलग कर दी गई है और पियानो ब्लैक का ज़्यादा यूज़ करा गया है। स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, चाहे वो टच स्क्रीन का रिस्पांस हो, टच रिस्पांस हो, चाहे उसका रेजोल्यूशन हो, वो काफ़ी शानदार हो गया। और फोर्ड ने सिंक 3 और अदर कनेक्टिविटी का इसमें अवेलेबल करा दी गई है। और जो इसमें ड्राइवर साइड की बात करूँ, ड्राइवर साइड में छोटी AMOLED डिस्प्ले अभी भी वही दी गई है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करा गया, जो कि इसकी क्वालिटी जो उसके साथ जो एम्बियंस है वो थोड़ा सा रिड्यूस करता है। और जो ओवरऑल इसके स्विचेस वगैरह आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया है फोर्ड की तरफ से, जो है रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प का। अब ये अवेलेबल है एस्पायर में, जो टॉप ऑफ दी वेरिएंट में आ रहे हैं, क्योंकि ये सेडान है तो फोर्ड इसे लग्जरी सेडान के तरीके से इसमें मार्केट में पेश कर रही है। और जो ओवरऑल डॉल पैनल की क्वालिटी है वो भी वैसी है, बस थोड़ी सी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ करा गया है। और यहाँ पर जो ऊपर आपको दिख रहा होगा साइड मिरर एडजस्टमेंट का बटन, वो थोड़ा अभी भी अजीब जगह है। और बात करूँ इसके रियर व्यू मिरर की, उसमें भी अब ऑटो डिमिंग अवेलेबल है, जो कि इसके लग्जरी फील को और बढ़ाती है। बात करूँ रियर साइड की, रियर अगर सीट की बात करी जाए तो उसमें फैब्रिक का यूज़ करा गया, नए फैब्रिक का यूज़ करा गया है। और अब इसके आर्मरेस्ट में कप होल्डर वगैरह भी अब फोर्ड ने बोल रहा है वो भी अब आएंगे इसमें। और ये था हमारा ओवरव्यू रिव्यू, अब देते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। तो एस्पायर के अंदर 3 इंजन अवेलेबल हैं, जो 2 पेट्रोल के और 1 डीजल का। डीजल वही पुराने वाला ट्रस्टेड 1.5 लीटर का 100 PS वाला इंजन, और जो पेट्रोल के इंजन है वो 2 हैं, 1.2 लीटर वाला और 1.5 लीटर वाला। 1.5 लीटर वाला टॉप ऑफ द लाइन है, 123 PS वाला पावर वाला इंजन है, EcoSport से सीधा लिया गया है। ये इंजन सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। जो मैनुअल में अवेलेबल है वो 1.2 लीटर वाला इंजन है, 96 PS की पावर वाला, जो कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो एस्पायर स्टार्ट होती है 5,55,000 से लेकर 8,50,000 तक जाती है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, जो ऑटोमेटिक वेरियंट इसमें आ रहा है टॉक कन्वर्टर के साथ। और इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव और प्रीमियम यहाँ पर लगती है हमें। तो ये था हमारा ओवरव्यू रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव। Please subscribe the channel and like the video if you like it.